नमस्कार एंड हेलो टू एवरीवन। आज की रेसिपी है सिंधी स्टाइल गोभी फ्राई। वैसे सिंधी क्विजिन में गोभी के बहुत सारे वेरिएशन बनते हैं। ये वाली जो रेसिपी है, जब घर में पुलाव बनता है तब हम इसे सर्व करते हैं, तब हम इसे बनाते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। यह मैंने एक फूल गोभी का फूल लिया था जिसे हम मीडियम साइज में चॉप कर लेंगे एंड मीडियम हॉट ऑयल में गोभी को फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। जब इसका कलर ब्राउन हो जाए तब हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। लुक एट द ब्यूटीफुल कलर एंड ये दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। अब हम दो टमाटर लेंगे एंड इसे चॉप कर लेंगे। एक पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे एंड ये चॉप्ड टमाटोज उसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद लो फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे। जब टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम लिड को हटा देंगे एंड इसको स्पून की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे। जब टमाटोज हमारे अच्छे से मैश हो जाएंगे तब हम डालेंगे मटर और इसे भी लो फ्लेम पर कुक करेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस, धनिया पाउडर, मिर्ची, आमचूर पाउडर, नमक, कस्तूरी मेथी एंड हम इन सारे मसालों को लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। जब हमारा ऑयल सेपरेट होने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची और फ्राई फूल गोभी। इसके बाद हम डालेंगे इस पे धनिया पत्ता एंड गरम मसाला। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पर कम से कम 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के हम इसको कुक करेंगे। 2 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा देंगे एंड हमारी जो फूल गोभी की रेसिपी है वो तैयार है। आपको और भी सिंधी रेसिपी सीखनी है तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड मुझे बताइए आपको और कौन सी सिंधी रेसिपीज सीखनी है। आई वुड लव टू ब्रिंग इट फॉर यू। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।